हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ कविता पाटिल। वेलकम टू डेली फूड चैनल। तो आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई रेसिपी सबसे पहले आप देख सकें। आज हम बना रहे हैं प्रॉन्स पैटिस, और पैटिस से हम एक बढ़िया सा बर्गर भी बनाएंगे। अब एक पैन में तेल गरम कर लेते हैं। इसमें अब लहसुन डालेंगे। लहसुन को अच्छी तरह से फ्राई करना है, उसका कच्चापन निकल जाना चाहिए। लहसुन भून के उसमें हींग डाल दीजिए। अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को अच्छी तरह से भूनना है पर उसका कलर चेंज नहीं करना है, सॉफ्ट हो जाए तब तक ही पकाना है। अब इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, सारे मसालों को प्याज के साथ अच्छी तरह से भून ली। प्रॉन्स डाल दीजिए, मिक्स करके अच्छी तरह से भून लीजिए। प्रॉन्स को हाई फ्लेम पे ही पकाइए ताकि पानी ना छूटे। अब नमक डाल देंगे, बिना ढके ही इसे पकाना है। उबला हुआ आलू लेके उसमें हल्दी, कॉर्नफ्लोर, नमक, ब्रेड क्रम्स, कटा हुआ धनिया, ये सब डाल के मिक्स कर देंगे। प्रॉन्स में नींबू का रस डाल दीजिए, चाट मसाला, रजवाड़ी गरम मसाला और थोड़ा धनिया डाल के मिक्स कर दीजिए। लीजिए, पैटी का स्टफिंग तैयार हो गया। अब आलू के मिश्रण की पैटी बना लेते हैं। इसके लिए कॉर्नफ्लोर में थोड़ा पानी डाल के उसकी अच्छी सी स्लरी बना लेते हैं। हाथों में थोड़ा तेल लगा के आलू का मिश्रण ले लेंगे और उसमें प्रॉन्स का मिश्रण डाल के स्टफ कर देंगे। बर्गर के लिए जो पैटी बना रहे हैं वो बर्गर के साइज की बनाएंगे, लेकिन बाकी की जो पैटीज है वो छोटी छोटी बना लेते हैं। अच्छी तरह से पैटी बना दीजिए, कहीं से भी क्रैक नहीं होना चाहिए वरना पूरा मिश्रण फ्राई करते समय बाहर आ जाएगा। इसी तरह से बाकी की भी पैटी हम बना के तैयार कर लेते हैं। चलिए बर्गर के लिए कोल्सलॉ बना लेते हैं। इसके लिए मेयोनीज में काली मिर्च, नमक, कसा हुआ गाजर और कसा हुआ गोभी डाल के मिक्स कर लेंगे। अपने हिसाब से आप इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। लीजिए, कोल्सलॉ तैयार है। तैयार की हुई पैटी अब कॉर्नफ्लोर की स्लरी में डाल के बाद में ब्रेड क्रम्स से कोट कर देंगे और ये पैटी आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए। फ्रेश पैटी को तलेंगे तो तेल में फूट जाने के चांसेस होते हैं, इसीलिए आधे घंटे, कम से कम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखना जरूरी है। अब इसे हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। दोनों तरफ से सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे। लीजिए, हमारी पैटी तैयार हो गई। बर्गर के दो हिस्से करके हम उसे ग्रिल पैन पे टोस्ट कर लेंगे। नीचे वाले हिस्से पे कोल्सलॉ लगा देंगे। अब इस पे एक पैटी रख दे, उस पे अनियन रिंग्स और टोमेटो रिंग्स भी डाल दें। मेयो में केचप डाल के ऊपरी हिस्से में लगा दे।
लीजिए हमारा बर्गर तैयार हो गया। अब इसे चिप्स के साथ आप सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी, कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो नीचे लाइक बटन को स्मैश कीजिए। ऐसे कई सारे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नई रेसिपी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग डेली फूड चैनल।